हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमारा यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हमने अभी उतने लेवल पे नहीं देखे हैं, ठीक है, जितना मैं चाहता था कि अभी कवर करूं, लेकिन न्यूमेरिकल हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। इरिगेशन बेसिकली आपका थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इरिगेशन न्यूमेरिकल्स को देखते हुए। इसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यूनिट 2 थोड़ा लंबा चल गई है, मेरे को भी लगता है ऐसा, ठीक है। तो यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले आज अपनी डिजाइन ऑफ कैनाल्स। क्या यूनिट 3 जो हमारी है डिजाइन ऑफ कैनाल्स। अब कैनाल्स वगैरह हम लोग बहुत सब्जेक्ट में पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ कैनाल्स, ठीक है। कभी कभी आपका इसका जिक्र फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हो जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट में हो जाता है एनवायरमेंटल वगैरह में भी कभी कभी आपका जिक्र इन चीजों का हो जाता है। लेकिन अब इंजीनियर्स तो आप ही हो, ठीक है, सिविल इंजीनियर तो हम ही है, तो कैनाल वगैरह डिजाइन भी हमें करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब डिजाइनिंग भी हमें सीखनी पड़ेगी इसकी फिर, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो आपकी डिजाइनिंग है कैनाल्स की वो हम लोग बेसिकली देखें कैसे आपके कैनाल्स डिजाइन होते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं अपने जस्ट लास्ट वाले लेक्चर की, ठीक है, इसके बाद हमारा जो जस्ट लास्ट इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें क्या था, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने क्या देखा, मैं बार बार क्या लिख रहा था वहां पे कि कल्टीवेटेड कमांड एरिया, कल्टीवेटेड कमांड एरिया, दो तीन न्यूमेरिकल हमारे ऐसे आए थे, ठीक है। उस टाइम पे हमारा फोकस क्या था, अपना यूनिट नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स थे उनके ऊपर फोकस था, वर्डिंग पे मैं इतना जा नहीं रहा था, और मैंने आपको बोला भी था कि हाँ भाई कल्टीवेटेड कमांड एरिया कोई ऐसा एरिया जिसके ऊपर आप इरिगेशन कर रहे हो, इतना मैं आपको हिंट दे चुका था उस टाइम पे भी। लेकिन भैया हिंट देने से बात नहीं बनती, क्या पता एग्जाम में उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए। तो डिजाइन ऑफ कैनाल्स तो ठीक है करते रहेंगे, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हम लेकर चलते हैं, उससे पहले थोड़ी बहुत डेफिनेशन है उसको मैं आपको दिखाता हूँ पहले, और जो न्यूमेरिकल बार बार एरिया आपके डिफाइन करे जा रहे थे वो मैं आपको सिखाता हूँ बेसिकली क्या वो एरिया होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं फर्स्ट डेफिनेशन बात करूँ यूनिट नंबर 3 में, तो आपका आता है ग्रॉस कमांड एरिया। कौन सा फर्स्ट डेफिनेशन आती है, ग्रॉस कमांड, एक से डबल एम, ठीक है, ठीक, ग्रॉस कमांड एरिया। अच्छा, इसको आप एग्जाम में कैसे पाओगे, अपने लिखा हुआ GCA, वो आपको ऐसे लिख के देगा एग्जाम में, ठीक है, यूज होता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, तो पढ़ना जरूरी है। उस टाइम पे तो अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, कैनाल के डिजाइनिंग वगैरह हम लोग इसे देखते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, बेसिकली आपका क्या है, टोटल एरिया है, क्या है आपका ये टोटल एरिया, ये समझ लीजिए जितना भी आप लोग इरिगेशन वगैरह लगा लो, ठीक है, और भी कुछ पार्ट हमारे उसमें होते हैं, रेजिडेंशियल हो गए, क्या हो गया हमारे रेजिडेंशियल हो गया, रेलवे लाइन हो गई, ठीक है, ब्रिज वगैरह जो बने हुए आपने वो सब का भी टोटल अगर हम लोग देखें, वो भी किसी किसी एरिया पे आ रहे होंगे, स्टेट है, कंट्री है, जो भी आपका एरिया पे आ रहे होंगे। तो ग्रॉस कौन सी बात करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई ग्रॉस वेट इतना है या फिर नेट वेट इतना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सिलेंडर जो आपके घर में आते हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेंडर घर में आते हैं, तो उसमें कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि दो वेट लिखे रहते हैं, क्या नेट वेट लिखा होता है या फिर ग्रॉस वेट लिखा होता है, देखा आपने कभी ग्रॉस वेट या फिर नेट वेट। नेट वेट बेसिकली वो दिखा रहा होता है जो आपकी गैस जो आपकी है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में वाली गैस दी जाती है उसमें जो अभी गैस है वो आपका नेट वेट होता है, जो आपके गैस का अराउंड 14 पॉइंट कुछ होता है, ध्यान मेरे को आ नहीं रहा, 14 पॉइंट कुछ आपका वो दिखा रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक ग्रॉस वेट भी दे रहा होता है, वो क्या दे रहा होता है, ग्रॉस वेट भी उधर होता है, ग्रॉस वेट में वो वाला वेट भी ऐड कर देता है जो आपका सिलेंडर का वेट है, क्या जब आपका सिलेंडर उसका वेट आपका ऐड कर देता है, इस वाले में प्योरली गैस का वेट अगर ना पे तो अपना उसमें आता है और आपका ग्रॉस वेट इसमें दे जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा किसमें, इसी में इरिगेशन में नहीं सारी जगह पे भी, जहां ग्रॉस आ गया ग्रॉस वेट, ठीक है, ग्रॉस वेट बेसिकली जो आप ओवरऑल टोटल वेट अगर लोग करें, ठीक है, कोई भी चीज ना छोड़े उसका हमें क्या बोलते हैं, ग्रॉस वेट। अच्छा, इसमें क्या है फिर, अब ग्रॉस कमांड एरिया में कि भैया ये टोटल एरिया है जो बाउंड है किसमें, इरिगेशन की बाउंड्री पे, विद इन द इरिगेशन बाउंड्री जो आपकी है, जहां पे आप लोग प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, अपना कैनाल को डिजाइन करना चाह रहे हो कि हमें हम इस कैनाल से इतना वाटर इसको सप्लाई करेंगे, तो उसमें आपका क्या होता है, जितना भी एरिया आपको कवर करना है, क्या करना है, भाई मैंने कैनाल कमांड डिजाइन कर लिया, अब कुछ सोच के तो करा होगा कि भाई इतना एरिया मुझे कवर करना है, इसके अंदर अंदर आपका कुछ भी हो, क्या बोले हम लोग, कुछ भी हो, मतलब इरिगेशन के लिए चाहिए पानी, हाँ जी अवेलेबल है, रेजिडेंशियल लोगों के लिए चाहिए, हाँ जी अवेलेबल है, और किसी भी काम के लिए चाहिए, किसी भी काम के लिए आपको वाटर अगर की रिक्वायरमेंट है, उस कैनाल से आप लोग अगर पूरा पूरा डिजाइन करना चाहते हो तो उसमें क्या बोलते हैं, जो एरिया वो कवर कर रहा होता है उसमें क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया। मतलब इस एरिया में मान लो यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ फील्ड भी है, यहाँ पे मान लो आपके हाउस पे आ गए,
ठीक है, हाउसेस वगैरह भी आ गए, तो ये हो गया। अब कैनाल को डिजाइन ऐसा तो करोगे नहीं कि भाई क्रॉप क्रॉप के पॉइंट डाल रहे हैं बस, नहीं, पूरा रेजिडेंशियल वगैरह के भी हम लोग डिजाइन करना पड़ सकता है। क्या मैंने बोला कि डिजाइन करना पड़ सकता है, ठीक है, तो बस ठीक है, कैनाल वगैरह की डिजाइनिंग हम लोग देख लेंगे। और फिर उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, इसको ऐसे तरीके से डिजाइन करना है कि भैया क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर है, क्या क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर हमेशा पूरी साल आपके पास बरकरार रहे, हमें कभी भी पूरे पानी की कमी ना हो पूरे साल में कभी भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था आपका ग्रॉस कमांड एरिया। तो अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा इसकी, तो देखो क्या लिख सकते हो, इट इज द टोटल एरिया, मैंने फिर बोला वही द टोटल एरिया, क्या है आपका ये, इट इज द टोटल एरिया है, ये सारे एरिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी चीज को पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर रहा। जैसे मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, कल्टीवेटेड कमांड एरिया, ठीक है, सीसीए जिसे हम लोग लिखते हैं, कल्टीवेटेड कमांड एरिया सिर्फ उस चीज पे फोकस करता है जिसमें आपका इरिगेशन की सप्लाई हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका कैनाल से तो चाहिए ये तो कंफर्म है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स के लिए चाहिए होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपना कल्टीवेटेड कमांड एरिया, ठीक है। देखो ग्रॉस कमांड एरिया होगा हमारा क्या होगा आपका, ये टोटल एरिया है, समझ रहे हो, बाउंडेड विद इन किसके अंदर अंदर सारा काम होना चाहिए, बाउंडेड विद इन द इरिगेशन जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, विद इन द इरिगेशन बाउंड्री, इरिगेशन की बाउंड्री के अंदर अंदर आपका, थोड़ी बहुत डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, मैंने समझा दिया, ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से मतलब मेरा कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कैनाल अगर मैं बात करूं, कैनाल हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, डैम वगैरह हो गया तो उसके लिए डिजाइन कर लेंगे हम लोग, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो, भैया अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग जगहों की, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो आप उस डैम से, तो वो भी हमको पूरी पूरी रिक्वायरमेंट उसको चाहिए होगी वाटर की, ठीक है, तो विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड। सवाल ये भी खड़ा होता है आपका कि भैया आप इरिगेशन कर रहे हो, कैनाल लगा रहे हो, सवाल ये भी खड़ा होता है क्या वो इकोनॉमिकली भी है या नहीं है, तो विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड, ठीक है, इकोनॉमिकली आपकी क्या होगी, इरिगेटेड होगी विदाउट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल वाटर। मतलब भैया ये कहानी है कि आपका ठीक है वाटर अवेलेबल है, ये ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आप साल के कुछ तीन महीने में ये आप सप्लाई जो आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है वाटर की, जो रिक्वायरमेंट आ रही है आप साल के कुछ तीन महीने में कर पा रहे हो, बाकी के मेरे जो आपके महीने बचे, नाइन मंथ्स जो मेरे साल के बचे, उसमें मेरे को रिक्वायरमेंट आएंगी नहीं, तो ये आपका नहीं कराई जाएगी इरिगेशन। इरिगेशन वो आपकी कैनाल का उस तरीके से डिजाइन करो कि कभी भी आप लोग मांगो, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग, हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे इसमें क्या आपका लिमिटेशन, द लिमिटेशन, लिमिटेशन किस चीज की सर, लिमिटेशन आपके वाटर की, कि भाई मान लो साल में तीन महीने आप लोग कर पा रहे हो, बाकी ये नहीं कर रहे, ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है। अच्छा मैंने आपको फिर बताया कि भैया ग्रॉस कमांड एरिया जो आपका है, क्या हमारे जो ग्रॉस कमांड एरिया है वो आपका सारे एरिया कवर करता है, कल्टिवेटेड भी एज वेल एज नॉन कल्टिवेटेड एरिया। सर कल्टिवेटेड एरिया तो मेरे को समझ में आता है कि मतलब आपका क्रॉप वगैरह यहाँ पे उग सकती है, नॉन कल्टिवेटेड मतलब आपका जो मैंने रेजिडेंशियल बोला था, रहने का घर, कोई सोसाइटी हो गई, रोड आपकी निकल रही है, वहां पे तो क्रॉप उगाओगे नहीं, तो ऑब्वियस बात है उसको क्या बोलते हैं, कल्टिवेटेड एरिया या फिर नॉन कल्टिवेटेड एरिया। कल्टिवेटेड एरिया आपका क्रॉप उगाने वाला हो गया, नॉन कल्टिवेटेड आपका रेजिडेंशियल हो गया। अच्छा तो ग्रॉस कमांड एरिया कौन सा कवर करता है, ये दोनों कवर करता है, ग्रॉस मतलब सारा का सारा, एलपी सिलेंडर का जो आपका आता है, ठीक है, किसी भी सिलेंडर का गैस सिलेंडर ले लो आपके जो घर में आते हैं, उसका ग्रॉस वेट करूं तो आपका जो आपका मेटल की बॉडी, आपकी जो स्टील की बॉडी होती है उसकी, मेटल की, आयरन की बेसिकली जो होती है उसकी, सारा सारा वो वेट कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको, क्या हमें क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, और फिर क्या बोला मैंने आपको नेक्स्ट टाइम, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है आपका, कल्टिवेटेड एज वेल एज अनकल्टिवेटेड एरिया, इट एज वेल एज अन कल्टिवेटेड एरिया, समझ लो कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड एरिया का, कल्टिवेटेड जहां पे सारी आपकी, ये समझ लीजिए खेती जहां पे सारी आपकी हो रही है, जहां पे आप क्रॉप उगाना चाह रहे हो, अनकल्टिवेटेड, सॉरी नॉन कल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड आप कह सकते हो, ठीक है। अनकल्टिवेटेड एरिया कौन से हो गए मेरे, बेसिकली वो एरिया जहां मैं रह रहा हूं या फिर रेजिडेंशियल आपका रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका अनकल्टिवेटेड एरिया। तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, ग्रॉस कमांड एरिया की। इसके बाद हमारी आती है कल्टिवेटेड कमांड एरिया की, क्या कल्टिवेटेड कमांड एरिया, जिसे लिखो मैं आपको कराता हूं कल्टिवेट कमांड एरिया,
जो आपका कल्टीवेटेड कमांड एरिया था या फिर अनकल्टीवेटेड कमांड एरिया था, आपका बेसिकली इसको जैसे बोलते ना कल्टीवेटली, ठीक है, क्या जो आपका एरिया होता है ग्रॉस तुम्हारा टोटल एरिया कवर कर रहा है। अब मैं फोकस करना चाह रहा हूँ भाई, मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अपना, इरिगेशन पढ़ रहा हूँ, इरिगेशन में मेरा क्या पर्पस है अपना, क्रॉप तुम्हारा सही से उसके एरिया में होंगे। तो मैं को फोकस रेजिडेंशियल एरिया पे नहीं करना, जहां मैं रह रहा हूँ उस पर फोकस नहीं करना, या मुझे ब्रिज जहां से निकल रहा है वहां से नहीं करना, या रोड मेरी जहां से निकल रही है वहां नहीं करना, मुझे अपने क्रॉप के ऊपर करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अलग एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेबल कमांड एरिया। मतलब जो कल्टीवेबल मतलब का मतलब क्या होता है आपका, जो एरिया आपको कल्टीवेट हो सके, कल्टीवेबल मतलब जो एरिया आपको कल्टीवेट हो सके। अब ऑब्वियस सी बात है हर जमीन पे तो आप लोग खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन आपको सॉइल के चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो वो आपको अलग अलग एरिया में मिल सकते हैं, और उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं अपने कल्टीवेबल कमांड एरिया। ठीक है, सेकंड हमारी डेफिनेशन क्या आती है आपकी, ये कल्टीवेबल कमांड एरिया, इसको आपको एग्जाम में कैसे देगा वो CCL लिख देगा। ठीक है, कल्टीवेबल कमांड एरिया है क्या भैया, ये पार्टी है ग्रॉस कमांड एरिया का, क्या ये हिस्सा है ग्रॉस कमांड एरिया का। जैसे भाई मैंने आपको बताया बेसिकली पूरा एरिया तो हमारा क्या हो गया, अगर मैं पूरे एरिया को देखूं इससे बोलता हूँ ग्रॉस कमांड एरिया। अब अगर इसमें से मुझे सिलेक्शन करना हो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप के फील्ड का, इसका क्रॉप के फील्ड का, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, कल्टीवेबल कमांड एरिया। अब समझ में आ गया, रेजिडेंशियल छोड़ दो, रोड वगैरह छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉप, इस इरिगेटेड जो आपका इरिगेशन वाला पर्पस आपका ये हो रहा है, क्रॉप वाला हो रहा है, उसे क्या बोलोगा आप लोग, कल्टीवेट कमांड एरिया। तो लिख लेते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है, क्या इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, ये हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। GCA के यार डालो, CCL के यार डालो, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आप डालोगे तभी एग्जाम में देखते हैं, घबराओगे नहीं, ठीक है, पता नहीं GCA अगर दिख गया तो सोचेंगे पता नहीं कौन सब्जेक्ट का हमारा आपका ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसके लिए डालते हैं। तो ये पार्ट है GCA का, ठीक है, और ये इंक्लूड करता है सारी लैंड को, एंड इंक्लूड्स सारी जो आपकी जितनी भी जमीन है, किसकी जितनी भी जमीन है जिसके ऊपर क्या हो सकती है खेती हो सकती है, वो तो सारा एरिया ये जीरे कवर करता है। ऑब्वियस बात है, मैं आपको फिर बताया जो क्रॉप आप उगा सकते हो ये आपका सारा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ GCA एंड इंक्लूड्स ऑल दी लैंड ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया की करता है, वो ऑब्वियस बात है कि भैया ग्रॉस कमांड एरिया की वो लैंड कवर करता होगा जिसके ऊपर क्या पॉसिबल है कल्टीवेशन, ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे इंक्लूड आपका ये आ रहा है, अब इंक्लूड तो इसी में ही है ना GCA, अगर मैंने कहा यहाँ पे होता, यहाँ मेरी खेती हो रही होती और मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ GCA को, तो ये वाला कंसिडर नहीं करा जाएगा, इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है GCA का और एक साथ, अब ऑब्वियस ही बात है, अब जब ये हिस्सा है GCA का तो ऑब्वियस बात है GCA का आपका ये कह भी सकते हो कि हाँ भाई ये इंक्लूड कर रहा है GCA की लैंड को भी, हम कह सकते हैं ना कि भाई जैसे हमारी कंट्री में कोई भी आपकी स्टेट है दिल्ली है, ठीक है, अगर वो दिल्ली स्टेट आपकी इंडिया के अंदर कवर हो रही है तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई दिल्ली भी आपका इंडिया का स्टेट का कोई एक हिस्सा है, तो सेम हमारा कैसा है इंक्लूड द लैंड ऑफ द GCA, मतलब दिल्ली भी एक तरीके से इंडिया की जो आपकी लैंड है उसको इंक्लूड कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। देखो GCA ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल, ऑन विच कल्टीवेशन इज पॉसिबल, जहां की कल्टीवेशन पॉसिबल है। अगर आपका एक्सपीरियंस होता है मान लो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं दी उसने वैल्यू, कंफ्यूज करेगा वो आपको, नहीं देगा आपको वैल्यू, तो क्या करना ग्रॉस कमांड एरिया का, अगर हम लोग बात करें ग्रॉस कमांड एरिया का 80% एरिया क्या मान लेते हैं हम लोग CCA, क्या मान लेते हैं, अगर ऑप्शन आपके पास डाटा है तो CCA आप अज्यूम कर सकते हो कि GCA का अगर मैं 80% ले लूं तो वो मेरे किसके बराबर आ जाएगा CCA के बराबर, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको मैं मार्क कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं किस चीज की, आप आपकी एक डेफिनेशन आती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IOI इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, काफी इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशन है, ठीक है, तो लिख लेते हैं, जगह थोड़ी बहुत है हमारी, ठीक है। देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इसकी डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको एग्जाम में जो मिलेगी वो मिलेगी आपको IOI, बेसिकली परसेंटेज में हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। देखो
आयो आयो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं स्टेटमेंट के द्वारा, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की मैं बात करूं, सिंपल शब्दों पर जाते हैं अगर हम लोग, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, क्या बोल रहा है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है, बेसिकली कितना इंटेंस है वो, है ना, लाइट हम लोग बोल सकते हैं, इरिगेशन आपकी कितनी इंटेंस है, मतलब कितने काम आपके आ रही है वो, बेसिकली हम लोग देखिए परसेंटेज में निकाली जाती है। देखो डेफिनेशन लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स वगैरह में देख लोगे, शायद एनर्जी बिगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग क्या, मीनिंग ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर डेफिनेशन अकॉर्डिंग हम लोग जाए तो। देखो डेफिनेशन की बात करूंगा, डेफिनेशन आप ध्यान देते रहोगे बार बार, डेफिनेशन छोड़ो, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन समझो। देखो क्या होता है भाई कि साल है आपका, पूरा हमारा साल होता है, ठीक है, एक ईयर मान लो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मान लो आपने कैनाल किस चीज के लिए डिजाइन करा है और वाटर आप पूरी पूरी साल उतनी ही क्वांटिटी में, मान लीजिए आपको कोई भी डिस्चार्ज अगर आप लोग 5 मीटर क्यूब पर सेकंड, 14 मीटर क्यूब पर सेकंड अगर आप कैनाल से लेना चाह रहे हो, ठीक है, 40 क्यूब पर मीटर सेकंड डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट आप लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि साल के पूरे टाइम ही आपको 14 मीटर क्यूब पर सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा भी नहीं है। क्यों, साल में कुछ ऐसे भी टाइम आता है या कुछ ऐसे एरिया होते हैं या कह लीजिए पर्टिकुलरली एक ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट या तो कम हो सकती है, क्या हो सकती है, आपको कम हो सकती है, और ज्यादा के लिए तो आपने डिजाइन कराई है, ऑब्वियसली बात है भाई, अगर डिजाइन कर रहे थे, अब ये मैं सोच रहा सर कभी कभी उनको ज्यादा चल जाती है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कैनाल की डिजाइनिंग आपने कर ली एक बार, कैनाल एक बार डिजाइन होता है, ठीक है, और क्या, हाँ इंप्रूवमेंट वगैरह देखी सकती है बाद में अगर हम लोग रिक्वायरमेंट हमें जाती है, जैसे भाई आपकी रोड्स वगैरह होती है पहले 2 लेन की थी, हाँ भाई आप रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, 4 लेन की कर ली, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन कैनाल डिजाइन किसके बेसिस पे करोगे, जो आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी उससे भी थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, तो ज्यादा के लिए कभी दिक्कत हुई नहीं हमें, हमें ज्यादा के लिए दिक्कत नहीं थी, हमें उस टाइम के लिए दिक्कत हो गई थी कि भैया अगर ये 14 मीटर क्यूब पर सेकंड पूरी साल हमको देता रहेगा, कुछ हमारी क्रॉप ऐसी हैं जिनको उस जगह सीसीए की बात कर रहा हूं, सीसीए कल्टीवेट कमांड एरिया, क्यों रेजिडेंशियल में तो आपकी ठीक है ऑलमोस्ट आपको जो फ्लक्चुएशन होती है वो कमी होती है और साल भर जो चाहिए होता है वाटर हमको उतना ही अराउंड अराउंड चाहिए होता है, लेकिन क्रॉप की दिक्कत आती है, अगर क्रॉप की क्रॉप के हिसाब से नहीं मिली, क्या जितने इसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अगर आपने ज्यादा दे दी तो क्या होगा, पानी ठहर जाएगा उसके ऊपर, इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग, इसको मैं बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी फील्ड के अंदर, वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए कहीं जगह पे, या फिर ज्यादा इरिगेशन आप लोग अप्लाई कर दो, ओवर इरिगेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो होता क्या आपके प्लांट्स के रूट्स के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, आपने कहीं कंडीशन देखी हो बाढ़ वगैरह से आ जाती है तो पूरी पूरी आपकी जो फसल है उसके ऊपर पूरा पूरा पानी आपका बह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग, ठीक है, वो तो हम डीप में पढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी होते हैं इसके, ठीक है। देखो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कल्टीवेट कमांड एरिया की बात कर रहा था मैं और किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहा था, क्या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहा था, क्रॉप मेरे से क्या बोल रही थी कि मुझे पूरी साल 14 मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है पूरी साल की 14 मीटर क्यूब पर सेकंड है, अगर आपने ज्यादा दे दी तो उसे क्या बोल दोगे, ओवर इरिगेशन बोल दोगे, क्या बोल दोगे उसको, ओवर इरिगेशन बोल दोगे, जो मेरी एरिया के लिए खतरा है या मेरी क्रॉप के लिए खतरा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, डेफिनेशन तो हम पढ़ते रहते हैं, डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी, क्या पता जो मैं डेफिनेशन लिखवाऊं आपको वो कहीं और भी मिल जाए, लेकिन जो मीनिंग है वो सिर्फ यही समझा सकता हूँ, यही बात को बता सकता हूँ, डेफिनेशन लिखवाऊंगा ना बिल्कुल मैच नहीं करेगी, ज्यादा समझ में आया बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मीनिंग सीख लिया आपको समझ आ जाएगी, हाँ एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए डेफिनेशन। देखो अब तो क्या बोलूंगा मैं डेफिनेशन के बारे में, बोलूँ तो ये वो परसेंटेज है किसका, कल्टीवेट कमांड एरिया का, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रॉस कमांड एरिया नहीं, गलत, ग्रॉस कमांड एरिया तो रेजिडेंशियल वगैरह हो गया, हम सिर्फ क्रॉप की बात कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं, क्रॉप की, उसका कोई परसेंटेज, ऐसा भी मैंने बोला कि सारे साल में सारे ही सीसीए में आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, नहीं, कुछ हिस्से में, क्या कुछ हिस्से में ऐसा है कि 14 मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं चाहिए, बाकी जो क्रॉप उगी है कुछ हिस्से में तो उसमें चाहिए, लेकिन तो अगर आपने उस वाले में सप्लाई कर दिया जिसमें चाहिए नहीं था, खतरा हो जाएगा, वाटर लॉगिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यही आपकी होती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, कि भैया इरिगेशन कर रहे हो कौन सी इंटेंसिटी से कर रहे हो, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ, मैंने बोला ना परसेंटेज में आपका बेसिकली, तो सीसीए भी किसमें लोगे आप, परसेंटेज में, ये परसेंटेज है सीसीए का, कल्टीवेट कमांड एरिया, मैंने फिर बोला आदत डालो इसको सीखने की, जीसीए को सीसीए को बोलने की, ठीक है, दैट इज प्रपोज्ड, जो आपका प्रपोज करता है किस चीज को, बेसिकली टोटल इरिगेशन, किसको,
टोटल इरिगेशन या फिर टोटल जो आपकी इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। तो बेसिकली प्रपोज्ड आपका जो इरिगेटेड एरिया है टू बी इरिगेटेड, ठीक है, इन आर गिवन सी।